अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अबीर अब्बास और आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज हम जा रहे हैं गडानी। तो गडानी पहुंचने से पहले आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है वो क्या, वो करना है चैनल को सब्सक्राइब। तो चलें आपको दिखाते हैं गडानी कैसे जाना है। तो हमने सोचा रास्ते से ज़रा बर्फ़ वर्फ़ ले ली जाए कोक पानी वानी के लिए। तो हमने यहाँ से वाटर पम्प से बर्फ़ ली और अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको चलें रास्ता दिखाते हैं। हमने जो रूट लिया है गडानी जाने के लिए वो हम गए हैं वाटर पम्प पहले, वहाँ से हमने लेफ़्ट लेके गए हैं सुराबगढ़ और फिर सीधा चलते चलते हम आ गए हैं लियारी एक्सप्रेस वे पे। क्योंकि जो साइड वाला रोड है वाला रोड बहुत ख़राब बना हुआ है, बहुत टूटा फूटा है। तो सबसे बेस्ट है कि आप लियारी एक्सप्रेस वे लें और वहाँ पे उतरें गुलबई पे, और गुलबई से सीधा आप RCD हाईवे लेके सीधा सीधा चलते रहेंगे। तो हमारे साथ रहिए और हम आपको दिखाते हैं कैसे आगे जाना है। हाँ तो जी, हम ट्रैवल कर रहे हैं RCD हाईवे पे जो सीधा निकलेगा जीरो पॉइंट पे, लेकिन हमें उससे पहले ही गडानी आ जाता है। यहाँ से हमने रास्ते से पेट्रोल भरवाया, बहुत अच्छे अच्छे पेट्रोल पम्प आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छा पेट्रोल पम्प था जहाँ से हमने पेट्रोल भरवाया। गडानी वैसे कराची से सिर्फ 50-60 किलोमीटर दूर है, तो आधी टंकी भी बहुत है। अब हम आ गए हैं बलूचिस्तान के गेट पॉइंट पर। अब आप देखेंगे जैसे आ गया बाबे बलूचिस्तान, तो जैसे इसको हम क्रॉस करेंगे तो हम एंटर हो जाएंगे बलूचिस्तान की हदूद में और हम कराची को पीछे छोड़ जाएंगे। और जो सबसे पहला शहर आएगा वो आएगा हब। हब का जो शहर है, छोटा सा शहर है, एक रोड बीच से गुजर रही है और आसपास आपको यहाँ बाज़ार नज़र आएंगे। और बाज़ारों से अगर आपने बर्फ़ वर्फ़ नहीं ली है, कुछ खाने पीने का लेना है, तो वो भी बासानी मिल जाएगा यहाँ पर। सुबह सुबह का टाइम हो और किसी ढाबे का नाश्ता हो जाए तो क्या ही बात है। आपके लेफ़्ट और राइट आपको बहुत ढाबे मिल जाएंगे। हम भी एक ढाबे पर रुके, वहाँ हमने बहुत ज़बरदस्त सा नाश्ता इन्जॉय किया। ये आप देख सकते हैं हाईवे गुजर रहा है, RCD हाईवे, और हमने यहाँ नाश्ता खाया। नाश्ते में हमने एंजॉय किए गरम गरम पराठे, भलाई, छोले और अंडा और ज़बरदस्त सी चाय। बलूचिस्तान की जो असल खूबसूरती है वो है उसके पहाड़, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और ये आपको और भी ज़बरदस्त मिलेंगे जब आप ट्रैवल करेंगे मकरान कोस्टल हाईवे। हाँ तो जी, अब हम तकरीबन पहुँच चुके हैं गडानी पे। ये है गडानी बीच, जैसे आप देख सकते हैं किश्तियाँ वश्तियाँ भी बड़ी नज़र आएंगी, स्पीड बोट्स भी हैं। लेकिन जो बेस्ट पॉइंट है गडानी को देखने का वो है ये। गडानी पे वैसे तो बहुत से पॉइंट हैं, लेकिन जो बेस्ट पॉइंट है वो है ये रॉक फॉर्मेशन, जहाँ पे आप बैठें, पानी को एंजॉय करें, तस्वीरें खींचें। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया तो ज़रूर करें। अब आपको कहेंगे खुदाफिज़ और बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ।